नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि वो बुद्धिमान हो, कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी सुपर ब्रेन हो, कौन नहीं चाहता कि वो हर चीज़ को याद रख पाए, कौन नहीं चाहता कि उसकी मेमोरी, विजडम एंड इंटेलिजेंस तीनों ही बेहतरीन हो। हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर नियमित रूप से योगाभ्यास करें तो भी आप ये तीनों चीज़ें पा सकते हैं, मेमोरी, विजडम एंड इंटेलिजेंस। कितनी दफ़ा होता है हम लोगों के नाम भूलने लगे हैं, और ख़ासतौर पर इस मोबाइल युग में तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते ये भूलने की समस्या अल्जाइमर्स तक बन जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, योगमय जीवन शैली जिएं, तो आप अपनी याददाश्त को तो बेहतर कर ही सकते हैं, अपनी मेमोरी को तो बेहतर कर ही सकते हैं, बट साथ में आप अपनी विजडम और इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकते हैं। सर में अक्सर दर्द रहना, थकान रहना, लथार्जिक रहना, लेजी रहना, मोबाइल फ़ोन का जब से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो खास तौर पर आँखों में बहुत ड्राइनेस, ड्राउजीनेस रहना, ये सब दूर हो सकता है अगर आप नियमित रूप से करें कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस। आप देखिए, नाम से ही इसके गुण पता लग जाते हैं। कपाल यानी आपकी खोपड़ी, और खोपड़ी में क्या क्या आता है, स्किन आती है, आपका फेस आता है, आपकी आंखें आती हैं, आपका नाक आता है, कान आता है, बाल आते हैं, इन सब को ऊर्जा देती हैं कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेज। मन को शांत रखती हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन से आपको दूर रखती हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाती हैं, आपकी ब्रेन की कैपेसिटीज़ को बढ़ाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि कुछ पढ़ के अगली दफ़ा जब उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ भी याद नहीं है, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो सकती है। कैसे करनी है कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस? बहुत सुगम है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा हमें अपने सांस को नियंत्रित करना है, और सांस को नियंत्रित करके उसके प्रवाह को, उसके प्रेशर को जहां हम चाहें वहां पर हमें पहुंचाना है। उससे हम देखेंगे कि हम इंटेलिजेंट बनेंगे और हमारे पास भी होगा सुपर ब्रेन। कैसे करना है इसको? पहले स्टेप में हम सीधे खड़े हो जाते हैं। हम इसको साइड से आपको करके दिखाते हैं, इस तरह से खड़े होना, और गर्दन, कमर बिल्कुल सीधी है, एकदम स्ट्रेट रहेंगे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, सीधे रहना और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इस स्थिति में आ जाना, और यहाँ पर है हमारा शिखा स्थान, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पंडित लोग, ब्राह्मण या जो वो लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, यानी जो बुद्धिमत्ता का काम करते हैं, अक्सर यहाँ पर शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं। तो शिखा स्थान पर हमें पूरा का पूरा ध्यान टिकाना है। इस स्थिति में आकर के गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे, शिखा स्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे, और फिर फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुली सांस भीतर लेना और अनुभव करना कि नाक से सांस जा करके हमारे शिखा स्थान पर प्रेशर मार रहा है। फिर नाक से सांस छोड़ देंगे, कम से कम 5 बार ऐसा करेंगे, गर्दन को सामने ले आएंगे, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। दूसरे स्टेप में भी हम ऐसे ही खड़े होंगे, और जितनी आपकी हाइट है, लेट से कोई 6 फुट का है तो 6 फुट ही दूर हमें अपनी नज़रों को टिकाना है, कोई 5 फुट का है तो 5 फुट दूर अपनी नज़रों को टिकाना है, यानी जितनी आपकी हाइट है उतनी दूरी पर देखना, और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपकी गर्दन हल्की सी आगे की ओर बेंड हो जाएगी। बस इस स्थिति में रहना, और इस स्थिति में आकर के पूरा ध्यान टिका देंगे टॉप ऑफ द हेड, बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सहस्रार। जब हम कुंडलिनी या चक्रों के बारे में पढ़ते हैं तो सहस्रार पर पूरा ध्यान टिका दिया, और सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, 5 बार इसको दोहराना है। तीसरे स्टेप और अंतिम स्टेप, तीसरा और अंतिम स्टेप में हम यहाँ सीधे खड़े हो जाते हैं और चिन लॉक लगा देते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, वो इसको चिन लॉक ना लगा करके सिर्फ ढीला छोड़ देंगे, बाकी सभी चिन लॉक लगा सकते हैं। और ये जो हमारे गर्दन के पीछे का हिस्सा है बिल्कुल, उस पर हमें ध्यान टिकाना है, यानी स्थिति में आना,
महसूस करना कि ये सांस सीधा जाके वहां प्रहार कर रही है। गर्दन को सीधा कर देंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पांच पांच बार इन तीनों स्टेप्स का अभ्यास करें, आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं तो बढ़ेंगी ही, इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी ही, मेमोरी विजडम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपको सुपर ब्रेन तो मिलेगा। साथ में अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द रहता है, तो उसमें भी ये कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेज रामबाण का कार्य करती हैं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।